टू माई चैनल द वोकैबलरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मतलब अपना परिचय देना और आज हम सीखेंगे कि हम अपना अपना परिचय, कैसे दे सकते हैं। ऑन आर इंट्रोडक्शन इज अ मस्ट तो हम पहले ये जान लेते हैं कि हमें अपना इंट्रोडक्शन किस किस जगह पे देना पड़ता है वेल well, हमें अपना इंट्रोडक्शन कई जगह में देना होता है जैसे कि स्कूल में क्लास में कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या जॉब इंटरव्यूज में हर जगह आपको अपने इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है कैसे एंडिंग करनी है वो सब हम आज अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखनी है सो द फर्स्ट एंड द फोमोस्ट थिंग इज वेअर योर कॉन्फिडेंस वेल इट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है आप कॉन्फिडेंटली वहाँ अपना इंट्रोडक्शन दें ये बहुत जरूरी है बिकॉज हैविंग अ स्ट्रांग बिलीफ ऑन यू एंड योर एबिलिटी अपने लिए एक स्ट्रांग ओपिनियन होना डेट येस आई कैन आई विल आई हैव टू स्पीक ऑन मी तो ये होना बहुत ज़रूरी है वेन यू स्पीक अबाउट योर सेल्फ बिकॉज आप किसी और के बारे में बात नहीं करें आप अपने बारे में बात करें हैं सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज यू हैव टू गिव शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर्स आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको इंक्लूड करने हैं उन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और जो हम अपनी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे नाउ द लास्ट थिंग इज बी योर सेल्फ बी योर सेल्फ मीन्स यू डोंट हैव टू फेक इट आपको अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर या फालतू नहीं बोलना है जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो बहुत कंफर्टेबल होकर अच्छे से विद क्रिएटिविटी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं यू डोंट हैव टू फेक द थिंग्स आपको फेक नहीं दिखना है यू हैव टू लुक रियल अब हम बात करते हैं कि हमें अपने इंट्रोडक्शन में कौन से कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन वेल वी ऑल शुड नो दैट इंट्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स फॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन नाउ वेन यू टॉक अबाउट फॉर्मल इंट्रोडक्शन इट मीन्स कि जो आप अपने स्कूल कॉलेज जॉब इंटरव्यूज में देते हैं दैट इज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन जिसे आप अपने प्रोफेशनल वर्क में भी यूज कर सकते हैं एंड इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन मीन्स जो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव और अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में अपना इंट्रो देते हैं दैट इज एन इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन नाउ लेट्स बिगिन विद द दैट वी हैव टू इंक्लूड इन आवर इंट्रोडक्शन सो द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रीटिंग्स विशेज सबसे पहले आप किसी से भी मिलते हैं तो आप उन्हें विश करते हैं सो यू कैन से नाइस मॉर्निंग और प्लेजेंट मॉर्निंग लाइक फॉर एग्जाम्पल इस मॉर्निंग टू वन एंड ऑल या अगर आप स्कूल गोअर्स हैं तो आप ये कह सकते हैं प्लेजेंट मॉर्निंग टू माई मेन्टोर्स एंड ऑल माई डियर पैल्स मिनटोर्स मीन्स मार्गदर्शक आप टीचर को मिन्टोर्स कहते हैं एंड पैल्स मीन्स फ्रेंड्स सो प्लेजेंट मॉर्निंग टू माई मिन्टोर्स एंड माई डियर पैल्स नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज योर नेम आफ्टर वेन यू विश द पीपल वेन यू ग्रीट द पीपल देन यू टेल योर नेम एंड जब आप अपना नेम बता रहे हैं यू हैव टू प्रानंसिएट योर नेम वेरी प्रॉपरली वेरी परफेक्टली मतलब आपके नेम की प्रानंसिएशन गलत नहीं होनी चाहिए लाइक फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज ज्योति और आई एम आर्य इन दोनों तरीके से आप अपना नेम बता सकते हैं बट द कॉमन मिस्टेक दैट वी डू इज हम माई सेल्फ यूज कर देते हैं माई सेल्फ वी डू नॉट हैन से माई नेम इज और आप कह सकते हैं आई एम नाउ नेक्स्ट है तो नॉर्मली आज तक हमने क्या यूज किया है आई लिव इन बट इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज आई डवेल एट और आई पुट अप एट लाइक फॉर एग्जाम्पल आई डवेल एट फोर्टी बी एक्स वाई जी कॉलोनी मुरादाबाद

सो so, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि मैं क्लास एट्थ कर चुका हूं और अब क्लास नाइन्थ कर रहा हूं एक्स वाई जी स्कूल से यहां अपने आप स्कूल का नेम मेंशन कर सकते हैं एंड इफ यू हैव डन योर प्लस टू एंड आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं सो यू कैन से आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन और इफ आप मास्टर्स कर रहे हैं सो आई एम बैचलर लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड नाउ आई एम परसुईंग मास्टर्स जो भी चीज आप अभी करेंट में कर रहे हैं उससे पहले आप परसुइंग यूज कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर फैमिली बैकग्राउंड यहाँ आपको ज्यादा डिटेल नहीं देनी है बहुत प्रिसाइज वे में अपने फैमिली के बारे में आपको बताना है लाइक इन माई फैमिली देर आर फोर मेंबर्स माई फादर इज मिस्टर ए बी डी उनका नेम मैंशन कर देंगे आफ्टर दैट आपको उनका ऑक्यूपेशन बताना है लाइक ही इज एन ऑन द पिन मीन्स ही इज अ बिजनेस मैन और ही इज अ सर्विस मैन ही इज अ टीचर फार्मर एनी थिंग वहां आपने अपना अपने फादर का प्रोफेशन लिखना है नैक्स्ट इज यू हैव टू टेल अबाउट योर मदर माई मदर इज मिसिज ए बी डी उनका नेम मैंशन करेंगे शी इज एन ऑन टीचर डॉक्टर जिस भी प्रोफेशन में मम्मी है आपको उनका प्रोफेशन लिखना है एंड इफ शी इज अ हाउस वाइफ अगर वो एक गृहिणी है तो आप लिख सकते हैं कि शी इज अ स्वीट होम मेकर एंड देन आप अपने सिबलिंग्स के बारे में बताएंगे यू हैव टू टेल अबाउट योर ब्रदर एंड सिस्टर सो यू कैन से थ्री सिबलिंग्स टू सिबलिंगस या जितने भी आप भाई बहन है आप वहां वो नंबर मेन्शन कर देंगे नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर हॉबी जो भी आपकी हॉबी है जो भी काम आपको करना पसंद है तो आप वो यहाँ मैंशन कर सकते हैं सो यू कैन से माई फेवरेट पास टाइम इज प्लेइंग बास्केटबॉल एंड आई एम अ वो रीडर यहाँ आपकी जो भी हॉबी है वो आप मेंशन कर सकते हैं लाइक आई हैव प्लेस्ड माई हॉबीज नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर विजन द लास्ट पॉइंट यहां आपने अपने एम्बिशन अपने गोल के बारे में बताना है दैट व्हाट यू रियली वांट अ बिकम, सो यू कैन इट आई वांट टू सेट अ नीश नीश बोलेंगे आप इसे नीश मीन्स पहचान एंड सेट अ मींस पहचान बनाना आई वॉन्ट टू सेट अ नीश इन द फील्ड ऑफ अब यहाँ आप अपनी फील्ड का नाम लिखेंगे आप किस फील्ड में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं एज अ डैश आप किस तौर पे आप uh, कौन सी डेजिग्नेशन में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं लाइक आई हैव रिटन आई वॉन्ट टू सेट अ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज अ टीचर दैट्स ऑल दिस इज द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन लास्ट में आप कह सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू एंड नाउ इट्स द टाइम टू मर्ज ऑल द थिंग्स एंड मेक अ रफ पैराग्राफ रफ इंट्रोडक्शन सो है pleasant morning to my mentors and all my dear pals i'm arya i dwell at 40a xyz colony muradabad i have done class 8th and now i'm pursuing class 9th from xyz school in my family there are four members my father is mr abd he's an entrepreneur my mother is mrs abd she is a sweet homemaker we are two siblings my favorite pastime is to play basketball and i read novels I want to set a niche in the field of sports as a good basketball player. That's all about me. Thank you. This is the most easiest way to give your introduction. It may vary from person to person. So for that, you can make the changes, the certain changes as required. But guys, as you know, practice makes a man perfect. So pen down this introduction and practice it more and more. And if you have any query, let us know in the comment section. And for more videos, subscribe to our channel, like, share, comment, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.